मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसा लग रहा है कि गणेश जी जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड है विसर्जन को लेके, लेकिन दुखी हैं गणेश जी जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रोज़ एक माहौल बना है घर में और रोज़ जिस तरह की सुबह शाम पूजा आरती होती है, बच्चे साथ में घुल मिल जाते हैं, इतनी सारे अच्छी चीज़ें पकवान मिलते हैं खाने के लिए, खासकर जो मोदक चुराए जाते हैं बीच बीच में जब मामा नहीं देख रही होती हैं, तो वो सारी जो मस्ती है वो आज समाप्त हुई। तो आज घर पे एक बहुत प्यारा इमोशन है, गणेश जी को हम विदा करते हैं, लेकिन इसीलिए महाराष्ट्र में कहते हैं कि पुढ़चा वर्षी लौकरिया, कि जल्दी से अगले साल वापस आइएगा। मैं सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस जी की गवर्नमेंट को बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के निर्देश पर और खुद इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके लोगों की बात, खासकर जो इको वॉरियर्स हैं उनकी बात मानकर उन्होंने इतना पॉजिटिव इस बार संदेश रखा, पंडालों में भी सब जगह लोगों को इन्फॉर्म किया, अवेयरनेस एक जागृति पैदा की, और उसका हमें ये रिजल्ट दिख रहा है कि पहले की अपेक्षा इस वक्त बहुत कम जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है वो कम है, लेकिन जितना भी हो रहा है उतना भी नहीं होना चाहिए। तो अगले साल गणपति जी से आशा यही करेंगे कि और इको फ्रेंडली लोग सोचें, और हम सिर्फ गणेश जी के लिए ही नहीं, हमारी टोटल जो मानसिकता, हमारी टोटल सोच जो है वो पर्यावरण के प्रति हो, पॉजिटिव हो, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जो पेंट्स भी होते हैं, कभी कोई सोचता नहीं है कि पेंट किस तरह का डैमेज क्रिएट कर सकता है, पेंट में कितना लेड होता है, और जब वो समुद्र में जाते हैं तो मछलियों को कितनी हानि पहुंचती है, हम सोचते भी नहीं हैं। इसी तरह जो पहले हमारे यहाँ डेकोरेशंस आते थे, जो खूबसूरत सिल्वर कलर के, गोल्डन कलर के जो बॉल्स होते हैं जो लटकाते हैं, वो जब पता चला कि थर्मोकोल के बनते हैं और वो भी इतने ख़राब हैं पर्यावरण के लिए, तो हमने वो सारी चीज़ें भी अब ड्रॉप कर दी हैं। तो जितना पॉसिबल है सब इको फ्रेंडली करते हैं हम। अभी 100 साल पहले तो फूलों से पेंट करते थे, 100 साल से पहले हर फूल के रंग से पेंट है, आज तक भी है महलों में, और ये जितने कलर्स हैं ये भी फूड कलर्स ही हैं। हाँ, अभी यहाँ पर एक मोती के प्लास्टिक का वो था, विवेक ने फटाफट निकाल दिया, वो बोल प्लास्टिक प्लास्टिक, देखो ध्यान, अभी एक बार सोचें। देश के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है ये, आई थिंक गर्व से सबके छाती फूल रही है आज हिंदुस्तान की, जहाँ पे नासा में मजाक उड़ाया जाता था कि भाई ये कहाँ रॉकेट कहाँ से उड़ाएंगे, बुलकाट के ऊपर लोड करके ले जाएंगे, बैलगाड़ी पे चढ़ा के ले जाएंगे, ये बातें ताने सुनने को मिलते थे। आज हमारा देश जो है वो मुझे लगता है कि अंतरिक्ष विद्या में, स्पेस क्राफ्ट में आई थिंक वी आर नंबर वन इन द वर्ल्ड, और ये बहुत गर्व की बात है। मुझे लगता है इतने बच्चे इस वक्त ये देख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस साइंटिस्ट हमारे यहाँ ज़रूर अब जन्म लेंगे।